हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं श्रिम सेटअप, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। श्रिम सेटअप बनाने के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ एक नॉर्मल जो 100 रुपीस का टब आता मार्केट में, वो यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो आप देख सकते हैं ये है टब। अब इसके अंदर अपन स्टोर्ड वाटर भरेंगे, जो एल्गे वाटर हमारे पास है उसको हम इसमें फिलअप करेंगे। अब तो मैं फिलअप करने के बाद आपको बताता हूँ। तो गाइज, मैं वाटर तो यहाँ पे फिल कर लिया, आई हैव एडेड द वाटर। अब अपने को इसमें श्रिम्स ऐड करने का है। अभी सबसे पहले इसमें अपन लाइफ प्लांट्स डालेंगे, क्योंकि श्रिम्स को प्लांट्स बहुत ज़रूरी रहते हैं। उन लोगों के सेटअप में प्लांट्स रहना बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट्स के लिए अपन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे गप्पी ग्रास एंड फॉक्सटेल, दो वैरायटी के तो प्लांट्स अपन यूज़ कर रहे हैं। तो अपन डालेंगे, तो मेरे पास यहाँ पे बहुत सारे गप्पी ग्रास है, इसमें से इतने सारे तो नहीं, थोड़ा डालेंगे अपन। ये अवेलेबल फॉर सेल है, ये कल्चर होते रहते हैं, मैं भी इतने से लाया था, ये कल्चर होते रहते। तो इसमें से अपन थोड़े डालेंगे, इसका वन बंच फॉर सेल अवेलेबल से रहते हैं। बंच की क्वांटिटी में तो ये सेल करते हैं, मेरे घने अराउंड पीसेस में होंगे एक 10 to 15 बंचेस निकलते हैं। वीडियो में उतना बड़ा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। तो अपन एक थोड़ा एक वन पाम डालेंगे इसके अंदर, ये गप्पी ग्रास है और इतना गप्पी ग्रास काफ़ी है, नहीं कहीं को कुछ भी काफ़ी नहीं, और थोड़ा डालना पड़ता। तो अपन और थोड़ा लेके तो डाल देंगे इसके अंदर, और थोड़ा इसको अच्छे से सब स्प्रेड कर देना पूरा वाटर में। ये श्रिम्स का सेटअप इसलिए बना दे रहा हूँ मैं, क्योंकि एक इन लोग कल्चर होते रहते हैं, तो एक इनकम सोर्स भी होता रहता है इसका। तो ये टब में अपन डाल तो दिए गप्पी ग्रास, अब इसमें थोड़ा फॉक्सटेल ऐड करता हूँ मैं। तो गाइस, इसको बोलते हैं फॉक्सटेल, इसको बहुत लोग कुकटेल और अलग अलग नामों से तो बोलते हैं, अपन इसको फॉक्सटेल बोलते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नामों से तो इसको बोलते हैं। तो ये फॉक्सटेल का वन बंच अपन इसमें ऐड कर देंगे, वन बंच इनफ रहता। गप्पी ग्रास और फॉक्सटेल अपन टू वराइटीज के प्लांट्स तो इसमें डाले। हाँ, तो इतना काफ़ी है। अब श्रिम्स को फीड क्या रहता बोले तो, श्रिम्स अब इसमें एज ए प्लांट्स अपन इसलिए डाले, प्लांट्स उन लोगों को नीड भी रहता है और उससे एल्गे भी पैदा होता है, और एल्गे इन लोगों का बेस्ट फूड रहता। तो अभी तो इसमें एल्गे नहीं है, इसलिए अपन थोड़ा एल्गे स्टार्टर के हिसाब से थोड़ा सा एक एल्गे एल्गे का मॉस्क टाइप में एक क्या बोलते ये एल्गे का रहता, इसको तो डाल देंगे अपन। ये फीड लेते रहते हो ना जब तक एल्गे भी इसमें कल्चर हो जाता, तो इतना सा तो एल्गे अपन इसमें स्टार्टर के हिसाब से डाल देंगे। देख सकते हैं आप एल्गे, तो ऐसा पीस कोने में डाल देना। तो अभी आप लोगों को मैं श्रिम्स दिखाता हूँ। तो मैं श्रिम्स मेरे फ्रेंड से तो थोड़े लाया हूँ कल्चर के लिए, अराउंड एक 10 to 15 पेयर्स टाइप में है, देख रहे हैं। ये है गोल्डन बैक येलो श्रिम्स, ये अच्छी वैरायटी है, ऐसा लोकल्स में तो नहीं मिल जाती है, मिले तो भी वो तो मेजर सिटीज़ में वहाँ पे मिलते, तो इसमें अच्छी अच्छी खासी क्वांटिटी में तो है मेरे पास, इनफ टू कल्चर है। ये अपने से ग्रोथ होते रहते, कल्चर होते रहते। ये पूरे जुविनल्स तो लाया हूँ मैं, एडल्ट्स अगर लाए तो अपन मरने के ज़्यादा चांसेस रहते, जुविनल्स लाए तो उन लोग वाटर में अपना क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेके इजीली सेटल हो जाते हैं। तो अभी तो ये लाया मैं, अभी इसको एक्लेमिनेशन के लिए वाटर में अपन ऐसा छोड़ के तो रखेंगे, ऐसा छोड़े तो अंदर चले जाते हैं, इसको थोड़ा ऊपर से अपन फोल्ड करके अभी छोड़ेंगे। तो मैं एक्लेमिनेशन के लिए थोड़ा इसमें ऐसा करके पैकेट को छोड़ा हूँ, डायरेक्ट अगर डाल दिए तो पूरे श्रिम्स मर जाते एकदम सडन उन लोग को वाटर चेंज हुआ। तो थोड़ा इसके अंदर से ऐसा पानी लेके अपन वाटर का इसका टेम्परेचर और इसका टेम्परेचर मैच करेंगे, एक 15 मिनट्स तक ऐसा इसको छोड़ के रख देना। तो मैं 15 मिनट्स के बाद मिलता हूँ। तो गाइस,
15 मिनट्स हो गए, तो 15 मिनट्स तो हो गए। अभी अपन इन लोग को ऐड कर देंगे इसके अंदर। ये देख सकते हैं आप शिल्स को, अभी स्लोली स्लोली करके देखिए मैं ऐड करते रहूँ इसको, बस ऐसे कर दो और स्लोली स्लोली देखो चले जा रहे, देखो ये श्रिम्स मैं फ्रेंड के पास से तो लाया हूँ कल्चर के लिए। अभी थोड़े से हैं इसमें, अभी पूरे तो चले गए, थोड़े से हैं अभी, इन लोगों भी छोड़ लेंगे अपन। देखो जा रहे हैं, देखिए तो गाइस पूरे श्रिम्स तो चले गए इसके अंदर, अभी एक भी नहीं बचा हुआ है। पूरे चलेगा देखिए, तो ऐसा कुछ श्रिम्स का आपको सेटअप बनाने का है, फूड से लेकर सब बताया हमें। अब एल्गे बहुत लोगों का नहीं रहता, तो एल्गे का मेरे सेकंड बैल्कनी में तो सोर्स है, उधर से मैं एल्गे थोड़ा कलेक्ट करके बताता हूँ, अभी बता रहा हूँ। यहाँ पे एक बैल्कनी टाइप तो है फ्रेंड्स, यहाँ पे बैल्कनी में प्लांट्स है, ये प्लांट्स के जो पॉट्स है ना इसके अंदर, जहाँ पे मैं पानी भर के रखा पहले, मेरे को प्लांट्स का थोड़ा शौक था लेकिन अब नहीं है उतना। थोड़े बहुत प्लांट्स है इसके अंदर, एल्गे रहता, तो ये एल्गे को अपन क्या हल्लू हल्लू से कलेक्ट करना इसके अंदर। मैं वीडियो में तो नहीं आता, पानी पूरा काला होके है तो थोड़ा थोड़ा एल्गे यहाँ पे बॉर्डर्स पे दिख रहा आप लोगों को। ये एल्गे से वैसा एल्गे टाइप मॉस रहता, उसको पानी में अपन को डाल देने का रहता। तो अगर आप लोगों ने वैसा नहीं है तो आप लोगों को जैसे सेटअप्स में से निकाल सकते, या नॉर्मल पानी भर के रख देना तो उसमें एल्गे कल्चर हो जाता। तो अब अपन जाएंगे अपने श्रिम्प सेटअप करने और आपको और थोड़ी डिटेल दे देता हूँ उसके ऊपर। तो अपन वापस आ गए अपने श्रिम्प्स करने, अभी इसमें श्रिम्प्स तो मैं छोड़ा ना, तो थोड़ा मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। एक वहाँ बैठे हुए है, देखिए इसमें मेल फीमेल आइडेंटिफाई करना बहुत ईजी रहता, ये फीमेल है वहाँ पे गई, इधर है देखिए ये फीमेल है, ये आप लोगों को दिख रही, ये गोल्डन बैक येलो श्रिम्प्स है थे, ये फीमेल है और एक मेल दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये दिख रहा सा इन्हें मेल है, आप लोगों को कैमरे में नहीं दिख रहा, एक सेकंड में हाथ में लेके बताता हूँ आप लोगों को मेल फीमेल का डिफरेंस। तो गाइज ये फीमेल है, देखिए ये थोड़ी साइज में थोड़ी बड़ी रहती, और श्रिम्प्स तो छोटे ही रहते, श्रिम्प्स हर वैरायटी का श्रिम्प छोटा रहता, तो ये फीमेल थी। अभी मैं दिखाया इसको, सही से नहीं दिखी तो वीडियो पॉज करके आप फिर से देख सकते हैं। अभी आप लोग को मैं एक मेल दिखा देता हूँ। तो गाइज देखिए एक मेल लाया, मेल पकड़ा मैं अभी, इसमें ये मेल रहता ऐसे रहते, वो फीमेल थी, ये मेल है, डिफरेंस आप समझ गए होंगे, साइज का डिफरेंट रहता और कलर उसमें थोड़ा डार्क रहता, इसमें थोड़ा लाइट येलोइश रहता, आप लोगों को दिख रहा इन्हें। तो इसको छोड़ देंगे अपन, इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं करना, अभी चेंज करें तो मर जाते पूरे। तो कुछ ऐसा श्रिम्स का सेटअप है, पूरा सेटअप का एक एस्टिमेटेड कॉस्ट बोले तो विद श्रिम्स आएंगा आप लोग को, तो इसका टोटल कॉस्ट मैं कैलकुलेट करा, इसका टोटल कॉस्ट कुछ ऑलमोस्ट 2000 के करीब आया, 2K तो नहीं आया बस उतने में आया इसका पूरा कॉस्ट सेटअप बनाने का। ये टब रहता 100 रुपीज़ का, श्रिम्स जो ये है 10 पेयर श्रिम्स, इसमें ब्रीडिंग के लिए आपको एक मिनिमम एक मिनिमम 10 to 20 पेयर्स तो लेना चाहिए अच्छे से कल्चर होने। अब नहीं बोले तो उतना बजट नहीं है, बोले तो आप 5 पेयर्स भी ले सकते, लेकिन एक क्वांटिटी एक पेड़ से तो ज़्यादा रहना तो अच्छा कल्चर होता, एक भी रात होता लेकिन लेट होता बहुत। तो अब जल्दी कल्चरिंग तो अच्छा खासा क्वांटिटी रखना, एक मिनिमम 10 पेयर्स रखना, अगर बजट नहीं है तो 5 पेयर्स रख सकते हैं। तो ये श्रिम्स का पूरा ऑलमोस्ट 2K का 2000 का तो पड़ा, ये 100 रुपीज़ का टब आता,
ये जो फॉक्सटेल वो सब है ये 80 रुपीज़ बंच। इसमें गप्पी ग्रास 2 बंच रखे लगे और फॉक्सटेल 1 बंच लगा। एंड श्रिम्स इसमें 10 पेयर्स लगे जो 1500 के थे। तो एक ऑलमोस्ट 2K का ये सेटअप बना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग को भी चाहिए तो अवेलेबल रहता ये स्क्रीन पे आ रहा सो कॉन्टैक्ट नंबर या फिर डिस्क्रिप्शन में रहता, दोनों में से किस में भी कॉन्टैक्ट कर ले सकते। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।